सोनकादिक ऋषि फिर प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न ये किया कि जब सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही जंगल भाग गए थे, तो फिर भागवत की कथा का अध्ययन उन्होंने कब, कहां, कैसे और किस तरह से किया? सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। सूत जी महाराज सुखदेव जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी को गुरु मानते हैं। उत्तर देते हैं, यम प्रव्रजन्त मनुपेतमुपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तनमयतया तरवो विरेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोऽस्मि। का जब जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल चले गए घर छोड़ के, क्योंकि जन्म से परम वैरागी थे, तो पहले तो वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे भागे कि पुत्र रुक जाओ, बेटे रुक जाओ, पुत्र के मोह में। लेकिन जब सुखदेव जी ने एक ना सुनी, वेद व्यास जी लौट के आ गए। लौट के आए लेकिन मन में सोच रहे हैं कि पुत्र बैरागी तो है जन्म से, लेकिन व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के साथ वैराग्य, वैराग्य के साथ ज्ञान का होना जरूरी है। और वो बैरागी है अच्छी बात है, लेकिन उसका ज्ञानी होना भी जरूरी है। और जब तक व्यक्ति गुरुमुख नहीं होता तब तक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरुमुख हुए बिना क्या किया जाए, क्या करें, क्या किया जाए, क्या करें? तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम उन जंगलों में जाओ जिन जंगलों में सुखदेव निवास कर रहे हैं, और उन जंगलों में जाकर के तुम भागवत जी के दो श्लोक जो मैं बता रहा हूं उनका गायन करो स्वर के साथ। ठीक है, शिष्य जंगल में चारों तरफ फैल गए। भागवत के दो श्लोक व्यास जी ने बताए हैं। पहले श्लोक में भगवान की कृपालुता का वर्णन है, दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। पहला श्लोक, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघान सयह पाये यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। पहला श्लोक जिसमें कृष्ण की कृपालुता, कैसी कृपालुता, कहा पूतना नाम की राक्षसी जब अपने स्तन में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई तो भगवान ने पूतना के विस्पूर्ण स्तनों का पान तो किया लेकिन पूतना के प्राण ले लिए। पर प्राण लेने के बाद भगवान ने पूतना को वह दुर्लभ गति दे दी जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। तो जरा विचार करो कि क्या उस कृष्ण से ज्यादा कृपालु इस दुनिया में अन्य कोई है जो जहर पिलाने वाली को भी दुर्लभ गति दे दे, जिसकी शरण हम ग्रहण करें, ऐसी कृपालुता कृष्ण की। तो पहले श्लोक में कृष्ण की कृपालुता और दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता। सुंदरता कैसी, बरहा पीडम नटवर बपुहु कर्णयोह कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। दूसरे श्लोक में कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन। शिष्यों ने इन दो श्लोकों का जंगलों में जाके स्वर के साथ गान करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने श्लोक सुने, पहले दिन तो भाव विभोर हो गए, दूसरे दिन डूब गए, तीसरे दिन अपने आप को रोक ना पाए और उन शिष्यों से कहते हैं, ये श्लोक कहां से सीखे, हमें भी सिखाओ।
कहा ये श्लोक हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाए हैं। तो कहा तुम्हारे गुरुदेव कौन? कहा कृष्ण द्वैपायन बाबा वेद अभ्यास। कहा रे वो तो मेरे पिताजी हैं। कहा हाँ उन्हीं ने हमें सिखाए हैं। तब सुखदेव जी लौट करके वापस आए और कृष्ण द्वैपानादमहम एक शब्द आता है ये कि अपने पिता पारा सर्वेद व्यास जी से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। भागवत जी का इस तरह से आगमन सुखदेव जी के जीवन में हुआ। सूत जी महाराज से फिर पूछा कि ठीक है सुखदेव जी ने भागवत की कथा का अध्ययन अपने पिताजी के माध्यम से किया, लेकिन सुखदेव जी परमहंस परम अवधूत सबसे दूर रहने वाले हैं और मौनी हैं, मौन रहते हैं ज्यादातर। तो ऐसे मौनी सुखदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हुआ और उन्होंने ये कथा परीक्षित को कैसे सुनाई, अब आप हमें ये बताएं। तब सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को बताते हैं श्रीमद् भागवत का बीजांकुरण महाभारत से हुआ है और महाभारत में सभी लोगों ने अपनी प्रमुख प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। महारानी कुंती के पांच यशस्वी पुत्र जिन्हें हम पांडव कहते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुंती के कितने पुत्र थे? चार, पांच, छह, हाँ कितने थे? कर्ण को छोड़ दो आप, तीन, तीन थे ना? हाँ या ना? हाँ जी या ना जी? तीन थे। कितने थे? तीन। कैसे? हमने तो पांडव सुने हैं। और कुंती थी कौन? कुंती का नाम था प्रथा। क्या नाम था? प्रथा। और कुंती महाराज सूरसेन की बेटी थी, लेकिन सूरसेन के मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने मित्र की बिटिया प्रथा को उन्होंने गोद लिया। पोष्य पिता के घर आई इसलिए प्रथा से नाम पड़ गया कुंती, कुंती भोज की बेटी तो कुंती। इसी बीच कुंती के पास महर्षि दुर्वासा आए और इन्होंने खूब सेवा की। महर्षि दुर्वासा जान गए ये कन्या संतान जन्म दे में इसको कष्ट होगा, इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि तुम जिस देव का आवाहन करोगी उसकी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। कुंती का विवाह हुआ पांडु के साथ। जब पांडु से विवाह हुआ तो पांडु को श्राप मिला, पांडु ने माद्री नाम की एक कन्या से और विवाह किया। पांडु की दो पत्नी हो गईं कुंती और माद्री। दोनों को लेकर के पांडु आ गए जंगल। तब कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आवाहन किया जिससे युधिष्ठिर नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। वायु का आवाहन करने पर बलशाली भीम, इंद्र का आवाहन करने पर अर्जुन की प्राप्ति हुई। तो कुंती के कितने बेटे? तीन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और फिर माद्री से दो बेटे हुए नकुल और सहदेव। लेकिन पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु की मृत्यु को माद्री सहना पाई और वे भी पांडु के साथ सती हो गई। तब मां कुंती ने माद्री के बेटों का पालन पोषण बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह किया, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चलता कि कुंती के तीन बेटे थे या पांच। तो हो गए पांच पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांच पांडव। पालन पोषण किया पांचों का, पांडव कहलाए। महाभारत का विनाशकारी युद्ध भी हुआ है। अब महाभारत के विनाशकारी युद्ध का क्या कारण था? महाभारत के युद्ध का कारण क्या था आपको पता है? पता है या नहीं? किसी को तो पता होगा। अरे बोल दो,
महाभारत के युद्ध का कारण द्रौपदी, द्रौपदी हाँ, कि भगवान कृष्ण, कि भीष्म पितामह, कि दुर्योधन, कौन था? कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध का एकमात्र कारण था लोभ। क्या कारण था? लोभ, सिर्फ लोभ। और लोभ भयंकर है भाई साहब, खतरनाक। कितना भयंकर कहा, रावण और कुंभकर्ण काम का स्वरूप थे और काम को समाप्त करने के लिए त्रेता में नारायण को एक अवतार लेना पड़ा, रामावतार, और काम समाप्त। शिशुपाल दंतवक्र क्रोध के स्वरूप थे, क्रोध को समाप्त करने के लिए द्वापर में नारायण को एक अवतार लेना पड़ा, कृष्ण अवतार। लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ का स्वरूप थे और दोनों को मारने के लिए दो बार आना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। हिरण्याक्ष को मारा बराह बन के और हिरण्यकश्यप को मारा नरसिंह बन करके। लोभ भयंकर है, इसलिए रावण की पत्नी मंदोदरी रावण से कहती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। हाँ महाराज, ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, ये सब नरक के पंथ है, नरक की ओर ले जाने के रास्ते हैं, इसलिए इन सभी रास्तों का त्याग करके क्या करो, भजन करो। किसका? भजहु भजहि जेहि संत।